जिम जाना और दो दो बर्थडे पार्टी भी अटेंड करना, आज हुई है कैसी कंफ्यूजन, आइए बताता हूं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी सोला वुल्फ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और गाइस आज आ गया है सैटरडे, वीकेंड हो गया स्टार्ट, और आज गाइस है 3 अगस्त, और काफ़ी अच्छा है गाइस क्योंकि आज जो है हमें मेरी भांजी का भी बर्थडे है और एक मेरे दोस्त का भी बर्थडे है, तो आज हम वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। और बाहर तो गाइस आज धूप ही है, पता नहीं 2 दिन से तो अच्छा मौसम हो रहा था, हल्के बादल दिख रहे हैं पर वैसे गर्मी है और धूप ही है। तो चलिए गाइस आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अभी मैं जाऊंगा ब्रश करके नीचे, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा। फिर गाइस लगभग 11 बजे मैं आ गया था नीचे। नीचे आकर गाइस मैंने देखा थोड़ी देर टीवी, और टीवी देखकर वापस अपने रूम में ऊपर चला गया। तो गाइस अभी नीचे से थोड़ा टीवी देखकर मैं आया था ऊपर, और अभी गाइस मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो गाड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैंने उसकी सर्विस करवाई थी कुछ ही टाइम पहले, और अभी गाइस उसमें एक इंजन लाइट का जो है ब्लिंक हो रहा है बार बार, तो वो मैं एक बार दिखवाने जा रहा हूँ मैकेनिक को कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए गाइस चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फिर गाइस पास ही में मैं पहुंच गया कार की वर्कशॉप में, वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी तो भीड़ भी था, तो हमने पहले अपनी गाड़ी को दिखाया, वहाँ पे उन्होंने स्कैनिंग की, उसको थोड़ा बहुत चेक किया। गाड़ी तो अब मैंने सर्विस चेक करने के लिए दे दी है, और अभी उन्होंने बोला एक लगभग उसमें 2-3 घंटे लगेंगे, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस घर वापस, और फिर 2-3 घंटे बाद आके देखता हूँ। उसमें कुछ थोड़ा बहुत इशू बताया उन्होंने सेंसर्स का, तो उसको चेक करने में अभी उन्हें 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो आगे की अपडेट गाइस मैं आपको देता रहूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस। गाड़ी को वर्कशॉप में देकर मैं आ गया था अब घर वापस, और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है शाम को, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस जिम अभी चला जाता हूँ क्योंकि रात को तो टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी मैं होने जा रहा हूँ गाइस रेडी, फिर हम जाएंगे जिम। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे रेडी होने के बाद। रेडी हो मैं हो गया हूँ जिम जाने के लिए, और अब मैं जाऊँगा नीचे बनाऊँगा अपना फ्लेवर पाउडर प्रोटीन शेक। तो चलिए गाइस चलते हैं, और आज मैं जाऊँगा जिम बाइक से क्योंकि गाड़ी हमारी सर्विस होने जा रखी है। फिर गाइज नीचे आकर मैंने प्री वर्कआउट में पिया अपना क्रिएटिन, और उसके बाद ही बनाया अपना GNC का प्रोटीन शेक, और फिर गाइज प्रोटीन शेक लेकर मैं पल चल पड़ा अपना जिम जाने के लिए। फिर फाइनली पहुंच गया अपने EFC जिम। आज था मेरा चेस्ट डे गाइज, तो मैंने की 5 चेस्ट के अलग अलग एक्सरसाइज, और सभी को गाइज 3-3 सेट्स और 10-10 रिपीटेशंस के साथ किया, और बाहर भी सुहाना मौसम इसी के साथ हो गया था, फिर थोड़ा सा बॉडी को अपना फ्लेक्स किया। तो फाइनली गाइज वर्कआउट अब मेरा हो गया कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं घर वापस गाइस। तो चले गाइस चलते हैं। उनसे तो अब मैं आ गया था, और अब हमारी गाड़ी सही भी हो गई होगी गाइस, 2-3 घंटे हो गए हैं उसको दिए हुए, तो अभी मैं जाऊंगा उसको लेने और फिर बता के कि आपको अपडेट दूंगा। तो मिलता हूँ गाइस आपसे फिर थोड़ी देर बाद। फिर फाइनली गाइज मैं पहुंच गया अपने वर्कशॉप, और वहां पे हमारी गाड़ी जो है सही करके एकदम खड़ी हुई थी, और फिर हम गाड़ी लेकर घर आ गए। फाइनली अब गाड़ी सही करवा कर मैं आ गया था वापस घर, और अब मैं होने जा रहा हूँ रेडी गाइज बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो गाइज रेडी होने जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे रेडी होने के बाद। हो गया था पार्टी में जाने के लिए रेडी, और अब हम जा रहे हैं पार्टी में। तो चलिए गाइज चलते हैं। फिर गाइज हम बहन के यहाँ पर गए, हमने थोड़ा बर्थडे पार्टी को एंजॉय किया। भांजी के पार्टी में से तो मैं आ गया था वापस, और अब मैं जा रहा हूँ वापस से बाहर जो दोस्त की पार्टी में। तो चलिए गाइज चलते हैं। फिर गाइज हम पहुंच गए थे CP, और आज था गाइज वीकेंड, तो CP में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहां पर हम पहुंचे एक कैफ़े में, वेयर हाउस कैफ़े, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था गाइज उस कैफ़े का, तो हमने वहां पे पार्टी में काफ़ी एंजॉय किया। फाइनली पार्टी से अब हम आ गए थे घर वापस, और गाइज हो गया हमें काफ़ी लेट, तो मैं चेंज करके और अपनी वीडियो को एडिट वगैरह करके सो जाऊँगा। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, और गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यूपी सोला वुल्फ को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।